आप सभी को जम्मू परिवर्तन के परिवार की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब अपने अपने तरीके से लोहड़ी को मनाते हैं, पर आपको याद होगा एक समय था जिस समय पे सभी लोग बैंड बाजे के साथ में जाया करते थे और लोहड़ी मांगा करते थे। वैसे तो आजकल वो चीजें नजर नहीं आती हैं, छज्जे बनाए हों लोगों ने और वो हाथ में पकड़कर चल रहे हों और पैसे मांग रहे हों, लोहड़ी मांग रहे हों। कई कई तो लकड़ियां दिया करते थे, कई कई आटा दिया करते थे, चावल दिया करते थे, मतलब अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी कोई किसी को देना चाहे देता था। आज का जमाना कुछ ऐसा जमाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को विश करना है तो आप टेलीफोनिक ही विश करते हैं, या व्हाट्सएप पे, या इंस्टाग्राम, या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। हम यहाँ से निकल रहे थे, हम इस समय डिगाना में मौजूद हैं, यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ ढोल वाले जा रहे थे और वो भी लोहड़ी मांगने के लिए। तो ऐसा लगा कि पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। तो मैंने इनको यहीं पे रोका, मैंने कहा कि आप रोकिए, तो कृपया करके हमें वो पुराने दिन याद कराइए, लोगों को भी अच्छा लगेगा वो पुराने दिन जो दिन में हम लोग लोहड़ी बनाया करते थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं और ये कब से यहाँ पर लोहड़ी मनाते हैं, इसी तरीके से डोगरी गानों के साथ। जम्मू का गाना है। आप कहाँ के रहने वाले? पहले मैं एमपी के रहने वाला हूँ। आप सभी एमपी के रहने वाले हैं। और आप लोगों को कभी लोहड़ी का त्योहार कुछ पता था ऐसे जब एमपी में थे? नहीं, हम मनाते थे अपने गांव में, मनाते थे, अगर बाजा नहीं बजाते थे अपने घर ही में मना लेते थे। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ जम्मू में, जब से मुझे यहाँ पर, मैं बाजा शुरू से बजाया था, 10 साल की उम्र से बजा रहा हूँ बाजा। अच्छा, तो मैं जब से 10 साल की उम्र से बाजा बजा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी लोग लेके जाते थे, मुझे गाने सारे यहाँ के डोगरी सोगरी नहीं आते थे कुछ नहीं, यहाँ वालों के साथ गया मैं, इन्हीं डोगरी बंदों से मैंने डोगरी सीखी हुई है, मैंने इधरी से डोगरी गाना बजा रहा, हिंदी गाना तो मैं अपने गाँव से बजा रहा हूँ। यहाँ पे किस तरीके से आप लोग लोहड़ी मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं जैसे हम लोगों के घर जाते हैं, किसी को मुड़ा हुआ, किसी की शादी हुई, नहीं जैसे पहला लोहड़ी होती है तो वो खुशी से हम लोग उनके घर पे जाते हैं तो वो लोहड़ी हमको देते हैं, कोई हजार देता है। जो त्योहार जैसे मनाते हुए हैं वैसे ही मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सारे मनाते हैं वैसा हम भी। ये गाना आपने कहाँ से सीखा? ये यही जम्मू से सीखा, ये गाना ये जम्मू का है ये। बाकी हम लोग रहने वाले, ये वाला गाना कब से बजा रहे हैं? जब से हम जम्मू में आए हैं, जब से जानते हैं, यानी कि लगभग कम से कम 15 साल हो गए हम। अच्छा, 15 साल पहले कैसे लोहड़ी मनाते थे लोग और आज कैसे आपको लग रहा है मना रहे हैं? क्योंकि ये लॉकडाउन लगा था, अब जहाँ भी जाओ तो बोलते रहने दो, लॉकडाउन से सब बेकार हो गए। बाकी त्योहार पहले अच्छे मनते थे, वैसे भी मनते हैं, आज भी मनाते हैं, कुछ लोग जिसको श्रद्धा है तो आज भी मनाते हैं, कोई कहता है रहने दो हटाओ, ये होता है। ये गाना है तेरा बड़ा मंदा लगदा, ये कौन सा, किसका मंदा लग रहा था? डोगरी गाना कैसे? यहाँ पर डोगरी गाने हम लोग यहाँ जब से जम्मू में आए हुए हैं यहीं हम लोगों ने सीखे हैं बाजे, मतलब यहीं पर हम डोगरी वाले गाने बजाते हैं। इधर अभी तक सुबह से कहाँ कहाँ पे मांग चुके हैं? अभी तो डिगियाना साइड मांगा है, इधर ही है पीतना का साइड, बस और कहीं नहीं मांगा है। कुछ पैसे वैसे बने या कुछ खाना वाना बना कि नहीं? खाना वाना बना है। किसी से कुछ लिया? हाँ, कोई ने 200 दिए, कोई ने 500 दिए, कोई ने 100 रुपए दिए, ऐसे दिया है। मतलब वो पुराने दिन आज भी याद है, लग रहा है कि वो पुराने वाली लोहड़ी आज भी है। आज भी कंजूस है, कोई लोग 10 भी देते हैं। अच्छा, वो एक गाना होता था ना कि भैया जिसने हमें पैसे नहीं दिए तुम्हारा घर गंदा, तुम्हारा घर में तुम्हें खाना नहीं मिला, या तुम्हारे घर में पैसे नहीं करते, हम अच्छा सोचते बुरा नहीं सोचते किसी के बारे में। हाँ, जिसने दे दिया तो ठीक है, भगवान उनका भी भला करे, जो ना दे उनका भी भला करे। अरे वाह, जिसने दिया भगवान उसका भी भला करे और जिसने नहीं दिया भगवान उसका भी भला करे। अगर कोई और डोगरी गाना आता तो डोगरी गाने का और बचा।
के हमारे अपने गाने हैं और सोचिए ये लगभग कोई 15 साल से कोई 25 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है। हम लोग कभी कहते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म को बाहर के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सोचिए आज हमारे जम्मू के गानों को इन लोगों ने अपने बैंड में उतारा है। हम लोग ये कहते हैं कि अज तुस डोगरी गाना सुनाओ, तुस डोगरी च गल्लां करो, साढ़े डोगरी च कोई भाषा कोई गल नहीं करता है, साढ़े ये लोग डोगरी च गाना गाइए, डोगरी गाना बजाइए लोगों करने जा रहे हैं। और कुछ और नहीं, लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं। साढ़ा लोहड़ी का त्यौहार साढ़े मोस्टली अगर बात की जाए तो ये यहीं का मतलब अगर कहें नॉर्थ में ही मनाया जाता है। मोस्टली नॉर्थ के आगे कहीं लोग इसको मनाना प्रेफर नहीं करते, कुछ मनाते भी नहीं है, यहाँ अलग अलग त्योहारों को अलग अलग नामों से बनाते हैं, पर लोहड़ी का त्यौहार मोस्टली नॉर्थ एरिया में ही मनाया जाता है। तो सोचिए लोहड़ी का त्यौहार इस तरीके से अगर मनाया गया हो कैसा लगता है। आज क्योंकि कोविड का समय जरूर है और मोस्टली यही कहा जा रहा है कि जितना सोशल डिस्टेंसिंग हो उतना बढ़िया, पर हम लोग अपने जो पुराने रिचुअल्स हैं हम वो ना भूलें, हमारा जो अपना कल्चर है हम वो ना भूलें। यही चीज जम्मू परिवर्तन की टीम आप तक पहुंचाने का जो ये संदेश जो इस वीडियो के माध्यम से, इन सबका एक बार नाम जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा जितेंद्र नाम है। जितेंद्र, आपका नाम? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, आपका नाम? अनाड़ी लाल जी। अनाड़ी लाल जी, अनाड़ी लाल जी आपका नाम ही बहुत प्यारा है। आपका नाम? बचपन से माँ बाप ने रख दिया है, हमको बोलते हैं अनाड़ी लाल, तो हमारा नाम आज से अनाड़ी लाल चल रहा है। अनाड़ी लाल जी आप जरूर फेमस हो जाएंगे। आपका नाम? धनी राम। धनी राम जी बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम? योगेश। योगेश, तो ये पूरी टीम थी जो अभी निकल रही है और आगे आगे जा रही है यहाँ पर लोहड़ी मांगने के लिए। आप लोगों ने आज लोहड़ी किस तरीके से मनाई है, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर बाहर के लोग आकर जम्मू के रिचुअल्स कल्चर लैंग्वेज फॉलो कर सकते हैं, जब फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारे सनातन धर्म को फॉलो कर सकते हैं, तो हम अपने धर्म को अपने कल्चर को अपनी लैंग्वेज को क्यों छोड़ सकते हैं या क्यों छोड़े। ये आज की तरफ से एक संदेश, लोहड़ी का त्यौहार इसी तरीके से मनाया जाए तो कैसा रहेगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।